हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 6, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 14, प्रैक्टिकल जियोमेट्री, एक्सरसाइज 14.4, क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, मार्क एनी पॉइंट एम ऑन इट, थ्रो एम, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी, यूज रूलर एंड कंपासेस। ओके, तो हमें क्या करना है? ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी, मार्क अ पॉइंट एम ऑन इट, ड्रॉ करो। ए बी लाइन ड्रॉ की हमने, उस पर हमें एम पॉइंट लेना है, ठीक है। विथ सेंटर एम एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस, ड्रॉ एंड आस्क टू कट द लाइन सेगमेंट ए बी एट डी एंड ई। कन्वीनियंट रेडियस लेनी है, आस्क ड्रॉ करना है एक, और जो जहाँ पे कट हो वहाँ पे डी और ई लिखना है। विथ सेंटर डी एंड रेडियस मोर देन डी एम, डी को सेंटर लेके डी एम से ज़्यादा रेडियस लेनी है, और एक कट, ड्रॉ एंड आस्क। विथ सेंटर ई, अब ई को सेंटर लेना है, विथ द सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, और ये दूसरा। टू कट द प्रीवियस आर्क एट द पॉइंट सी, यहाँ पे सी, ज्वाइन सी एम, सी एम को ज्वाइन करना है। ज्वाइन सी एम, देन सी एम परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद सेकंड है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू, टेक एनी पॉइंट आर नोट ऑन इट, आर जो है वो लाइन पे नहीं लेना है, उसके बाहर लेना है। थ्रो आर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यूज रूलर एंड सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर आपको पता है कैसा होता है, ओके। सो फर्स्ट क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन पी क्यू, मार्क अ पॉइंट आर आउटसाइड ऑफ द लाइन, यहाँ पे बाहर आर पॉइंट लेना है। प्लेस अ सेट स्क्वायर अलोंग द साइड अलोंग द लाइन पी क्यू सच दैट वन आर्म ऑफ इट्स राइट एंगल इज अलोंग द लाइन। तो देखो बच्चों, आपको ऐसे जो यहाँ पे P है वहाँ पे हमने R लिखा है, वैसे सेट स्क्वायर लेकर रखना है, और यहाँ पे ऐसे स्क्वायर रखनी है। मेरे पास सेट स्क्वायर नहीं है इसलिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको सेट स्क्वायर रखना है, और उसके ऑपोजिट साइड में क्या रखना है, स्क्वायर। प्लेस अ रूलर अलोंग द एज ऑपोजिट टू द राइट एंगल ऑफ द सेट स्क्वायर, होल्ड द रूलर फिर्मली एंड साइड द सेट स्क्वायर अलोंग द रूलर टिल द पॉइंट आर फॉल्स ऑन द अदर एज ऑफ द सेट स्क्वायर। देन आपको वो ले लेना है, और यहाँ पे आपको जो पॉइंट मिलेगा वो होगा एम। सो ड्रॉ अ लाइन अलोंग दिस एज पुशिंग थ्रू आर, लेट इज इंटरसेक्ट द लाइन पी क्यू एट एम, यहाँ पे हमने एम पॉइंट लिया है, सो ये आर और एम, लेट इज इंटरसेक्ट द लाइन पी क्यू एट एम, देन आर एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू। आप सेट स्क्वायर, और यहाँ पे आप सेट स्क्वायर रखोगे, और यहाँ पे ऑपोजिट में क्या रखोगे, रूलर रखोगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3, ड्रॉ अ लाइन एल एंड पॉइंट एक्स ऑन इट, थ्रो एक्स, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई परपेंडिकुलर टू एल, नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एट वाई, यूज रूलर एंड कंपासेस। सो फर्स्ट क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन एल एंड मार्क अ पॉइंट एक्स ऑन इट, लाइन एल ड्रॉ करनी है, उस पे पॉइंट एक्स लेना है। विच सेंटर एक्स एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एंड आस्क टू कट द लाइन एल एट द पॉइंट ए बी, एनी कन्वीनियंट रेडियस लेके
ड्रॉ करना है, और जो जहाँ पे कट हो वहाँ पे ए और बी लिखना है. विथ सेंटर ए एंड रेडियस मोर देन लेंथ ए एक्स ड्रॉ एन आर्स. ए एक्स से ज़्यादा लेके एक आर्स ड्रॉ किया. देन विथ सेंटर बी एंड द सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्स टू कट द प्रीवियस आर्स एट सी. और बी को सेंटर लेके वही रेडियस, कोई चेंज नहीं, दूसरा आर्स, और जहाँ पे वो कट हो वहाँ पे हमें लिखना है सी. ओके, जॉइन सी एक्स, यहाँ पे सी आ गया, सो सी एक्स को जॉइंट कर दो. जॉइन सी एक्स एंड एक्सटेंडेड इट, मार्क पॉइंट वाई ऑन द लाइन ई सी एक्स. सी एक्स के लाइन पर हमें क्या लेना है, पॉइंट वाई. तो यहाँ पे आप पॉइंट वाई ले लो. देन द लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू एल विथ सेंटर y. अब y को सेंटर लेना है. एनी कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एंड आस्क टू कट लाइन एक्स वाई एट द पॉइंट डी एंड ई. एनी कन्वीनियंट रेडियस लेके एक आस्क ड्रॉ करना है, और जहाँ पे लिखना है d और e. विथ सेंटर d, अब d को सेंटर लेना है एंड रेडियस मोर देन लेंथ ऑफ डी वाई. डी वाई से ज़्यादा लेंथ लेके एक आस्क करना है. डी को सेंटर, डी वाई से ज़्यादा, और ये एक आर्स ड्रॉ करना है. विथ सेंटर ई, अब ई को सेंटर लेना है एंड सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्स टू कट द प्रीवियस आर्स एट एफ. अब ई से यहाँ पे दूसरा, अगर ये छोटा है तो उसे बड़ा कर दो. अब इसे जॉइंट करना है. और यहाँ पे लिखना है F. जॉइन एफ वाई किया, देन एफ वाई परपेंडिकुलर एक्स वाई एट वाई. ओके, सो टुडे योर होमवर्क इज वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. ओके, वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. थैंक यू.